हेलो, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, लाइमन सीरीज, बाइमर सीरीज, पाश्चन सीरीज, इनका स्पेक्ट्रम क्या होता है, कौन कौन सी रेंज में आते हैं, इंफ्रारेड, विजिबल या अल्ट्रावायलेट रेंज में। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बोर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स के बारे में बोर्स ने जो अपने कॉन्सेप्ट को शेयर किया था वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशंस में बहुत पूछा जाता है ये, तो आप लोग आराम से इसको स्टडी करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। सो व्हाट इज द बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम? ओके, नील्स बोर कंबाइंड क्लासिकल एंड क्वांटम कॉन्सेप्ट्स एंड गिव हिज थ्योरी इन द फॉर्म ऑफ थ्री पोस्टुलेट्स। उन्होंने थ्री पोस्टुलेट्स दिए थे। उन्होंने ये बोला था कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट द इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, हेंस दीज ऑर्बिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं सर्टेन ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट्स में, विदाउट इमिशन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी, हेंस दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, अपनी ऑर्बिट्स में अपनी एक्सेस के अराउंड मूव करते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम एल इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई, वेयर इज एच इज द प्लैंक कॉन्स्टेंट एंड पाई इज नंबर। ओके, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, और वो जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है वो क्या होता है उसके बारे में बताया उन्होंने, एल इज इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन टू पाई, राइट। और जहां पे उन्होंने ये बारे में बताया 1 2 3, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप लोगों ने क्वांटम नंबर आगे की क्लास में पढ़ोगे तो क्वांटम नंबर्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रॉन माइट टेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट स्पेसिफिक नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी, वेयर इट डज सो ए फोटॉन इज इमिटेड हैविंग एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि अगर वो अपनी रेडिएटिंग ऑर्बिट से लोअर एनर्जी लेवल्स में जाता है तो एक फोटॉन का इमिशन होता है और वो एनर्जी डिफरेंस की जो एनर्जी होती है फोटॉन की वो उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है, तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं तो उनकी रेडियस क्या होगी, आई एम नॉट गोइंग इनसाइड द डेरिवेशन पार्ट्स, बट दिस फैक्ट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको ये याद रखना है। आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक में, आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या होती है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए स्टेशनरी न्यूक्लियस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। देखिए, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस के एक सर्टेन अट्रैक्शन से वो बंधे होते हैं और उसी फोर्स, वही फोर्स जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है और सेंट्रीपेटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके उस ऑर्बिट में बाइंड किए होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो डेट ई क्या है हमारा, न्यूक्लियस पे जो चार्ज है, ई क्या है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, दैट इज आर स्क्वायर डिवाइड हुआ, आर क्या हुआ हमारा रेडियस हुआ, ये हमारा क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आर वो जो एक रेडियस है। तो अगर इसको आप रिसॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि रेडियस कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। के क्या है हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन द फ्री स्पेस है, तो 1/1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एंगुलर मोमेंटम भी हमें पता है कि एल क्या होता है, mvr इज इक्वल टू nh/2π, जो बोर ने अपने सेकेंड पोस्टुलेट में दिया था, ठीक है। वो चीज आपको ध्यान रखनी है। दो हमारे पास इक्वेशन हो गई, एक तो इक्वेशन हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स, और दूसरी हमारी इक्वेशन हो गई एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। फॉर फ्रॉम द अबव इक्वेशन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाय n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के डेट me स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z स्क्वायर। ये मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं कि जो रेडियस है हमारी nth ऑर्बिट की, वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, तो हमारा न्यूक्लियस पे एटॉमिक मास है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन करने की बात बताता हूँ, एच हमारा क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, और इलेक्ट्रॉनिक मास आपको पता होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वगैरह सारा पता होता है। अगर आप इसको सारा कुछ पुट अप करेंगे तो nth ऑर्बिट की जो रेडियस आएगी वो 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम आएगी, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि nth ऑर्बिट की जो रेडियस है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और जो एटॉमिक मास है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज n इज इक्वल टू 1 ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड बोर रेडियस, दैट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, राइट। जो सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट है उसका हाइड्रोजन एटम की, उसका ये बोर रेडियस है जिसको हम लोग r0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम द अबव रिलेशन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड एज दिस। देखिए जो एंगुलर मोमेंटम का कांसेप्ट है, mvr इज इक्वल टू ns बाय 2 पाई, और वहां पे mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कूलम का, उन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन से तो आपको यहां पे ये मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू c बाय 137 z बाय n, फिर c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, और यहाँ पे उसको अगर आप सी को प्लेस कर दोगे 3 × 3 × 10^8 ms से, तो ये आएगा 2.2 × 10^6 z by n ms। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जैसे जैसे अपर ऑर्बिट में वो मोमेंट इलेक्ट्रॉन का होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी घटने लगेगी, ठीक है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। रेडियो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द बॉल फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सीएच, फिर सी जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो जेड बाई एन छोटा होता जाएगा, और जेड बाई एन छोटा होता जाएगा तो वी एन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट दैट इज ओमेगा एन, ओमेगा एन आपको क्या मिलेगी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओमेगा नॉट जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, जहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है 8π³ k² e^4 m/h³, यहाँ पे के हमारा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच हमारा प्लैंक कॉन्स्टेंट है, पाई इटसेल्फ आपको पता है, ई की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो दैट इज द ओमेगा नॉट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। तो ओमेगा एन किसके प्रोपोर्शनल है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट किसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। देखिए
दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्बिट और वो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है. द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट वो क्या होती है, tn इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन vn. ठीक है, vn क्या है, हमारी वेलोसिटी है, 2 पाई r n, r n हमारा रेडियस है और यहां से हमारी तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो यहां से पता चल जाएगा. और यहां पे देखो क्लियर कट क्या दिख रहा है कि जो tn है हमारा ना वो t नॉट n क्यूब बाय z स्क्वायर है. t नॉट क्या है हमारा nth जो हमारी बोर की जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना उसका रेवोल्यूशन टाइम है ये. ठीक है, that is equal to tn is equal to 1.5 into 10 की पावर माइनस 16 n क्यूब बाय z स्क्वायर. तो t नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिए, ये सारा वैल्यू यहां पे पुट अप करके ये आपका आ गया. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन सी चीज इंक्रीज होने पे कौन सी चीज डिक्रीज करेगी, किसका प्रोपोर्शनल और इनवर्स के प्रोपोर्शनल में रिलेशन है, ये आप लोग नोट पे पॉइंट पर बना के लिखिएगा, एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं यहां से. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन इन nth ऑर्बिट, ठीक है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक है, वो कैसे होगा, In is proportional to z square m by n cube. ठीक है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा. ठीक है, q is equal to it होता है, t आपको पता है, q इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पता है आपको, i की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. द मोशन ऑफ चार्ज इज मोशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, बहुत नेग्लिजिबल करंट होती है वो, लेकिन फिर भी अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. द मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन इन nth ऑर्बिट दैट इज इक्वल टू m इक्वल टू ia, i आपको पता चल जाएगा और a आपको पता चल जाएगा, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. पाई आर एन स्क्वायर दैट इज एरिया और आई एन आपको nth ऑर्बिट में जो करंट है उसका वैल्यू आई एन, तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट का पता चल जाएगा. ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या है, देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, तो यहाँ पे वो क्या आता है, माइनस के जेड स्क्वायर बाय टू आर एन, दैट इज दिस टोटल एनर्जी आपको यहाँ से पता चल जाती है. और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी वो हाफ एम वी एन स्क्वायर और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, दैट इज 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाय आर एन. ठीक है, फॉर्म में हमारी वो एनर्जी होती है. ठीक है, अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ दैट इज माइनस आर सी एच जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जहाँ पे क्या होता है हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट होता है आर. ठीक है, और ये आर की वैल्यू होती है 1.03 इंटू 10 की पावर 7 पर मिनट पर. ठीक है, और ईएन जो हमारी nth ऑर्बिट की एनर्जी होती है दैट इज माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, देखिए रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो देखिए क्या होगी, यहाँ पे 1.03 इंटू 10 पावर 7 ओके पर मीटर होती है. और यहाँ पे ये चीज आपको जब आप इसकी यूनिट का कैलकुलेशन करोगे ना तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन मास किलोग्राम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में. ठीक है, सी दैट इज द वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ये सारा कैलकुलेशन करके आप यूनिट का चेक कर सकते हो और फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा. ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यूनिट से आया है. ठीक है, अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करता हूं, जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है उसकी nth ऑर्बिट में एनर्जी की बात करता हूं तो वो क्या होता है, माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है. ठीक है, कुछ एमसीक्यूज को हम देख लेते हैं. The electron can revolve only in certain discrete non-radiation orbits called first option, elliptical orbit, unstable orbit, stationary orbit,
जीरो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन होता है वो सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएशन ऑर्बिट में मूवमेंट करते हैं, उनको हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टेशनरी ऑर्बिट पढ़ा था। क्या पढ़ा था अभी, स्टेशनरी ऑर्बिट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फर्स्ट ऑप्शन एच बाई टू पाई, एच बाई पाई, पाई बाई एच एंड एन बाई एच। तो एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल था एंगुलर मोमेंटम, और वो जो इंटीग्रल मल्टीपल था उनको हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम दिया था। तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी, आपको ध्यान रखने की जरूरत। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, द इलेक्ट्रिक करेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोशन इन nth ऑर्बिट आई एन इज इक्वल डैश जेड स्क्वायर एम बाई एन क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉट इक्वल। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, हमने ये स्टडी किया अभी प्रीवियस। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और भी क्वेश्चन आप लोग अपनी रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक से स्टडी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जामिनेशन पे आज क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, सो दिस इज अवर क्लास ऑन हाइड्रोजन एटम्स की जो नील्स बोर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो। थैंक यू।